भोपाल में 2000 नोटों का जाली खेल जो है चल रहा है। गरीब महिलाओं के जरिए माफिया 2000 रुपए का नोट बदलवा रहे हैं। ये सारा काम भोपाल आरबीआई दफ्तर में चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को 2000 के नोट चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। इन्हें 30 सितंबर 2023 तक बैंक में बदलवाया जा सकता था। इसके बाद आरबीआई की चुनिंदा शाखाओं में नोट बदलवा सकते थे, लेकिन भोपाल में आरबीआई बिल्डिंग के छिप्पे पीछे स्थित राजीव नगर बस्ती में नोट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। यहां 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए संगठित गिरोह को काम कर रहा है, जहां रोज 200 महिला पुरुष 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए घंटों लाइन में लगते हैं। और गिरोह सुबह 7 से 9 बजे के बीच बस्ती वालों को 2-2000 रुपए के 10 नोट उपलब्ध करवाते हैं। और मिलीभगत ऐसी कि नोट बदलवाने के लिए बस्ती वाले अपने आधार की फोटो कॉपी लेकर लाइन में लगते हैं और इनके लिए लाइन भी अलग होती है। 10 नोट बदलवाने के बदले इन्हें 200 रुपए मिलते हैं और कुल 20,000 रुपए जो है लेकर आरबीआई जाते हैं, यानी कि 2000 रुपए के 10 नोट, जहां इन्हें 15,000 रुपए दिए जाते हैं। बाकी के 5,000 रुपए 2-2 रुपए के सिक्के के रूप में दिए जाते हैं। ये पैसे बस्ती वाले राजीव नगर में संचालित 2 दुकानों पर जमा करते हैं, फिर इन्हें बोरियों में भरकर लोडिंग ऑटो की मदद से बैरागढ़, रेतघाट, अशोका गार्डन सहित विभिन्न इलाकों में पहुंचा दिया जाता है। और बड़े कारोबारियों की ब्लैक मनी को ये एजेंट एक साल से व्हाइट करते नजर आ रहे हैं। तो भोपाल में जाली नोटों का जो खेल है पूरा वो चल रहा है, और 2000 के नोटों का भोपाल में ये जाली खेल चलता हुआ नजर आ रहा है। नोट बदलने का खेल ये चल रहा है। गरीब महिलाओं के जरिए माफिया जो है 2000 रुपए के नोट बदलवा रहे हैं। भोपाल आरबीआई दफ्तर में नोटों के बदलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर 2000 रुपए के नोट बदल रही हैं। हर महिला को 2000 रुपए के नोट बदलने के बदले 200 रुपए कमीशन दी जाती है। बिल्डर और अधिकारियों के मिलीभगत से गोरख धंधा चल रहा है। अवैध नोटों को वैध करने का ये गोरख धंधा चलता हुआ नजर आ रहा है। एक साल से रोज नोट बदलने 200 महिलाएं पहुंच रही हैं। केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। आरबीआई के पीछे राजीव नगर बस्ती में 2000 रुपए के नोट खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं। संगठित गिरोह नोट बदलवाने के काम में लगा हुआ है। रोज 200 महिलाएं और पुरुष 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगते हैं। महिलाएं और पुरुष एक दिन में 40 लाख रुपए जमा कराते हैं। 10 अक्टूबर 2023 से नोट बदलने वाला गिरोह लगातार सक्रिय है। नोट बदलवाने के लिए आरबीआई के सामने महिलाओं की अलग लाइन जो है लगती है। इंटेलिजेंस की भी लंबे समय से इस पूरे खेल पर नजर बनी हुई है। व्यापारी हैं, उनके पास पैसे हैं 20 लाख रुपए, उनके नोट होने चाहिए। मैं कल आया था, तुमने यहाँ देख के गया था, आप कैमरा बंद रखना अभी, ठीक है। मैं कल गया आया था, पूछ के गया था यहाँ, तो उन्होंने कहा था कि पेन लगाएंगे 300 रुपया हम रोज लेंगे। हाँ, 300 रुपये देते हैं, लगा देते हैं। जैसे आज आप कितने नोट लाई? 20,000 चेंज हो गए। कितने मिले 20,000 के? 300। मतलब ये कितने हैं आपके? ये तो हमें दे दी 15,000-5,000 की चल रही है, अब जी हम उधर दे देंगे, तो हमें 300 रुपये दे। दादी दादी मुझे एक चीज़ बताओ, सुनो तो एक चीज़ बताओ कि आपने 20,000 रुपये चेंज करवा लिए, 300 रुपये मिले, आप कितने दिन से आ रहे हैं चेंज कराने? अरे तो मजदूरी नहीं आती। नहीं नहीं, मुझे बताओ कितने दिन से आ रहे हैं, कितने बार चेंज करवाया आपने? करवा ली है ये 10-15 दिन। 10-15 दिन में आपने 3 लाख रुपये चेंज करवाए और 300 रुपये रोज मिले, यानी कि 1500-4500 रुपये, 4500 रुपये आपको 15 दिन में मिले। आधार कार्ड आपका लगा अंदर? अगर कई दिक्कत हुई थी, सरकार ने अगर जाँच बिठा दी, पूछा गया कि जिन नोट कहाँ से आए, तो आपका जवाब दोगी? दलाल पीछे भग जाएगा, हट जाएगा, भग जाएगा। हाँ। नहीं, नहीं दादी दादी, वो पहले बैंक बनी वो बात अलग है, लेकिन 2000 के नोट आपको पता है बंद हो गए हैं। बंद हो गए हैं तो वो तो वो निकाल के वो तो लगवाएंगे, करवाएंगे। नहीं नहीं, तो वो अंदर आधार कार्ड आपका लगा भी आप आई थी चेंज करने से? हाँ। आपने कितने रुपये ले गई थी अंदर? ये है ना, 2000 के नोट ले गई थी ना, कितने नोट ले गई थी? तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।